मित्रों सादर नमस्कार, जय माता रानी। मित्रों 22 तारीख को, इसी 22 अप्रैल को अमावस्या तिथि है। अमावस्या वैसे तो साल में 12 आती हैं, लेकिन कुछ अमावस्याओं का कुछ विशेष ही महत्व होता है। यही तिथियों का, नक्षत्रों का और समय का योग होता है। कुछ विशेष योग होते हैं जो अत्यंत ही लाभदायी होते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्यों के लिए, विशेष चीज़ों के लिए। तो ये अमावस्या जो वैशाख मास की अमावस्या है, ये भी कुछ कार्यों के लिए बहुत ही विशेष होती है। अमावस्या पितरों के देवता का दिन होता है। वैशाख मास की अमावस्या इस बार कुछ विशेष योग लेकर के आ रही है। वैसे भी वैशाख मास की जो अमावस्या होती है, यह पितरों के निमित्त किए जाने वाले उपायों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मित्रों जब मैं कुंडली देखता हूँ तो कुंडली में मुझे अधिकांशतया लोगों की कुंडली में पितृदोष दिखाई देता है। और पितृदोष ऐसा दोष है जो सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को कभी सुखी नहीं रहने देती। पितृदोष की वजह से व्यक्ति को किसी न किसी बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है। आदमी धनवान हो गया अर्थ है अगर उसके पास, तो स्वास्थ्य की दिक्कत, स्वास्थ्य अच्छा है संतान की दिक्कत, संतान अच्छी है धन की दिक्कत, किन्हीं न किन्हीं कारणों से व्यक्ति परेशान ही रहा करता है। पितृदोष होता क्यों है? पितृदोष का कारण यह है कि इस भौतिक युग में व्यक्ति जन्म लेने के बाद, जन्म लेने का भी एक उद्देश्य होता है, व्यक्ति के जन्म का उद्देश्य होता है, उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर व्यक्ति का मनुष्य रूप में जन्म होता है। मनुष्य रूप में भी उच्च श्रेणी में जन्म लेना और अधिक उसके पूर्व जन्मों के किए कर्मों को प्रदर्शित करता है। और वो जन्म का कारण होते हैं हमारे पितृ। हमारे पितरों के द्वारा कभी तमाम जो ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो न करने वाले कार्य होते हैं, लेकिन वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले संतान के लिए, अपने आने वाले वंश के लिए तमाम ऐसे अनैतिक कार्यों से, धन संचय करना, उनके सुख के लिए तमाम व्यवस्थाएं जुटाना, ये अपना कार्य करते रहते हैं। उनके इस अनीतिपूर्ण कार्य से उनके कर्म बिगड़ जाते हैं और वो कर्म बिगड़ते हैं केवल अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके सुख के लिए। कर्म बिगड़ने की वजह से, पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से व्यक्ति मनुष्य रूप में तो पैदा हुआ, लेकिन मनुष्य रूप में पैदा होकर के जब वह अपने कर्म बिगाड़ लेता है तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, उसको सद्गति नहीं मिलती है। अब सद्गति अगर नहीं मिलती है तो फिर वो क्या करेगा? तो ईश्वरीय विधान है, भगवान परम ब्रह्म ने, माता भगवती ने उसका भी एक निदान निकाला कि उस पितृ की वंश परंपरा में कोई भी अगर संतान, कोई भी ऐसा हो जाए। अपने यहाँ मित्रों विवाह सुख के लिए नहीं होता है किसी तरीके के। विवाह का केवल एक उद्देश्य ये होता है कि विवाह के बाद जो संतति होती है, संतान उत्पन्न होती है, उन संतानों में कोई एक ऐसा श्रेष्ठ संतान हो जाए, कोई ऐसा वंश में हो जाए जो अपने पितरों के निमित्त उपाय करे, पूजा करे, भगवान से प्रार्थना करे, उनके उद्धार की कामना करे, उद्धार हेतु कर्म करे, पितरों को उद्धार करने के लिए अपना कर्म बनाए, अपने कर्म करे। इसी हेतु पितृ जो अतृप्त होते हैं
वो भगवान से प्रार्थना करते हैं उस अवस्था पे जहाँ पर वो परेशान हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जब कोई आत्मा का पृथ्वी लोक में जन्म होने वाला होता है तो हर पितृ भगवान से प्रार्थना करता है कि अच्छी आत्मा जो है वो उसके वंश में पैदा हो और उसके यहाँ जन्म लेकर के उसके निमित्त उसके उद्धार के लिए शायद उपाय करे भगवान उन पितरों की जो दिवंगत हो गए मृतात्माएं हैं, जो तर नहीं पाए, जिनको सदगति नहीं मिली, उन आत्माओं के विनय से सुन करके प्रसन्न होकर के उनकी प्रार्थना से उनके वंश में संतान पैदा करता है, संतान उत्पत्ति करता है। लेकिन वही संतान जब बड़ी होती है तो अपने पितरों को भूल करके वो केवल अपने भौतिक सुख के लिए और उसी तरीके जैसे पितरों ने किया तो वह संतान स्वयं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वह भी लग जाती है और तमाम नीत पूरे कार्य करके वह भी अपना ही केवल भौतिक संसाधन इकट्ठा करती है। वो लोग इकट्ठा करते हैं, पितरों का कोई भी उपाय नहीं हो पाता, पितरों के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते। पितृ यह देख करके असंतुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं और कष्ट भोगते हैं। तो चूंकि उनकी संचय की हुई पूंजी से आप सुख भोग रहे हैं, उनका वैभव विलास भोग रहे हैं, उनके द्वारा ही दिया हुआ, तो नाराज होते हैं और परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं। व्यक्ति पूरा जीवन बीत जाता है और पितरों के निमित्त कुछ कर ही नहीं पाता है, जबकि ईश्वर ने पितरों के निमित्त बहुत से विधान बनाए। अमावस्या तिथि पितरों के केवल उद्धार के लिए बनी है, पितरों के उद्धार के लिए पूजा होती है। आप बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार को भी पितरों का उपाय करते हैं। दक्षिण दिशा पितरों के लिए है, पितरों के लिए पंचमी तिथि निर्धारित है, प्रतिदिन राहु काल जो आता है वो पितरों के निमित्त है। अंधेरा पितरों का प्रतीक है, अंधेरे के बिना जीवन संभव नहीं है। वर्ष में अनेक व्रत त्योहार आते हैं, अनेक पूजा के पर्व आते हैं, लेकिन पितरों का पर्व 15 दिन का आता है, बाकी पर्व तो एक एक दो दो दिन के होते हैं। माता भगवती का नवरात्रा केवल आता है, नवरात्रों का समय कभी 8 दिन, कभी 9 दिन, कभी 7 दिन का हो जाता है, लेकिन पितरों का 15 दिन का है, फिर भी हम नहीं पितरों के लिए कोई उपाय करते। जब ये सब नहीं हो पाता तो पितर नाराज होते हैं, और पितर भी भगवान का ही स्वरूप है, माता भगवती का स्वरूप है। तुम स्वाहा तुम सदा तुम ही वो सत्कारा, वही स्वाहा है वही स्वधा है। माता भगवती की शक्ति स्वधा रूप में पितरों की है, स्वाहा रूप में देवताओं की है, लेकिन हम देवताओं के लिए तो करेंगे, पितरों के लिए नहीं करते। वही पितृ दोष आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा और वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा। अब कुंडली जो जानकार है वो देख करके आपको बताएगा, बताता है। अगर आप कुंडली नहीं भी बनवाए, नहीं भी अगर कुंडली है आपकी या नहीं दिखाए, तो आप आने वाले कष्टों से ही पितृ दोष को पहचान सकते हैं। पितृ दोष में व्यक्ति की संतान परंपरा रुक जाती है, व्यक्ति के संतान सुखी नहीं रहते, व्यक्ति की आर्थिक स्थितियां हरदम डामाडोल रहती हैं, स्वास्थ्य का काफी ह्रास होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, सम्मान नहीं मिलता, ऐसे तमाम कष्ट हैं जो पितृ दोष के कारण ही होते हैं। विवाह नहीं होने देते पितृ दोष, विवाह बाधा उत्पन्न होती है। तो अगर कुंडली है तो कुंडली दिखा करके जान लेना चाहिए किसी विद्वान से, नहीं है तो कष्टों से जान लेना चाहिए। और वैसे भी पितरों की पूजा तो की ही जानी चाहिए। हमारे पूजा विधान में देवताओं की पूजा के पहले पितर की पूजा होती है, पहले पितर पूजे जाते हैं, बाद में देव पूजा होती है, लेकिन हमने पितरों का सब कुछ भुला ही दिया।
और केवल अपने भौतिक सुख के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, तमाम पूजा करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, पितरों के निमित्त तो कुछ हो ही नहीं रहा, कहां से सुख मिल जाएगा। तो पितृ दोष अगर कुंडली में बना है तो व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करता रहे। मित्रों, हमारा ये वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य यही है कि जब कुंडली देखते हैं, लोग पूछते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लगा करता है कि यह बताया जाए, सार्वजनिक रूप से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। जिसने पूछा उसको तो बताया ही हमने, लेकिन और अन्य लोगों तक बात पहुंचे और शायद कोई हमारी बातों से लाभ ले सकता है तो ले और अपने जीवन को सुखी करें। इसीलिए हमने केवल अपनी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए केवल इसे, क्योंकि आवाज खाली नहीं जा पाती है, पोस्ट होती है तो उसको वीडियो का रूप दे देते हैं। वीडियो से हमारा कोई मतलब नहीं है, दिखाने से या कोई रोचकता बनाने से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारी बात आप तक पहुंचे। और अगर आपके भी जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे इसी वीडियो में नंबर हमारा है, आप हमसे व्हाट्सएप पे या फोन करके जान सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम माता भगवती की कृपा से जो भी हो सकता है, जो भी बन पड़ता है, आपको निःशुल्क आपको बताएंगे। और हमने अनुभव किया है कि जिसने हमारे बताए अनुसार किया है तो उसको लाभ भी मिला है। निःशुल्क बताते हैं, निःशुल्क का केवल एक उद्देश्य है कि ज्ञान बेचा नहीं जाता है। अगर ईश्वरीय कृपा से, भगवती की कृपा से अगर ये ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, आप इसका मोल नहीं दे सकते हो। इसलिए हम इसके लिए आपसे कुछ लेना भी नहीं चाहते हैं। आप अपना लाभ लो, जो हम दे रहे हैं आप अगर ले सकते हो तो आप लो, और आप क्या दे सकते हो ये आपकी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। मित्रों, इस बार अमावस्या 22 अप्रैल को बुधवार के दिन है। बुधवार के दिन 5:46 पर सूर्योदय होगा और अमावस्या 5:39 पर लग जाएगी। इसलिए सूर्योदय के समय पर अमावस्या रहेगी, तो उदया तिथि मिल जाने की वजह से अमावस्या का जो शुभ दिन पड़ेगा वो बुधवार के ही दिन पड़ेगा। बुधवार के दिन रेवती नक्षत्र रहेगा, रेवती के स्वामी भी बुध हैं और बुध ही इस संवत्सर के राजा हैं। तो बुध के राजा होने की वजह से और अमावस्या का दिन मिल जाने से ये शुभ योग हो गया, क्योंकि बुध पितरों को भी प्रिय हैं और देवताओं को भी प्रिय हैं और बुध राजा हैं। बुध 25 अप्रैल को मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। मेष राशि में सूर्य इस समय उच्च राशि पर बैठे हैं। सूर्य ही संपूर्ण ग्रहों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य चंद्र स्वयं प्रकाशित ग्रह हैं, संपूर्ण ग्रहों को इन्हीं से प्रकाश मिलता है। लेकिन पितृ दोष ऐसा होता है कि यह सूर्य चंद्र को भी अस्त कर देता है। पितृ दोष के प्रतीक जो हैं वो राहु और केतु और शनि हैं। शनि जब चंद्र सूर्य के साथ आते हैं तो विषयोग बना देते हैं, राहु केतु जब चंद्र सूर्य के साथ आते हैं तो ग्रहण दोष लगा देते हैं। पितृ दोष अगर कुंडली में बना है तो व्यक्ति को बहुत ही कष्टकर जीवन जीना पड़ता है। सौभाग्य से ये वैशाख मास की जो अमावस्या है ये पितृ दोष के लिए बहुत ही शुभ अमावस्या होती है। इस दिन आपने देखा है कि जो सतवाही
इसे सतुआ ही अमावस्या भी कहा जाता है। तो जो सतुआ के पिंड बनते हैं, सत्तू के जो पिंड बनते हैं, निगरी कहते हैं उसको, तो उनसे जो पूजा होती है वो पितरों के निमित्त ही पूजा की जाती है। वह पितरों को सतुआ का पिंड बना करके समर्पित किया जाता है और वही देवताओं को भी भोग लगाया जाता है। उसी पिंड से गरीबों को भी खिलाया जाता है, दान किया जाता है। वह पिंड का जो भोग होता है वह पितरों के निमित्त ही होता है। इसलिए आप भी इस कष्ट से निवारण के लिए सतुआ का भोग लगाएं। पीपल में हो सकता है पीपल में जाएं लगाएं, कम से कम 5 निगरी बना करके, 5 पिंड बना करके। कुत्ते को खिला सकते हैं, कुत्ते को खिलाएं, गाय को खिलाएं, गरीबों को खिलाएं, ब्राह्मण को खिलाएं, जिसको भी आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी व्यवस्था अनुसार आप सतुआ का दान कर सकते हैं, खिला सकते हैं। दक्षिण की तरफ आप रात में शाम समय दिन डूबने के बाद अंधेले में दक्षिण की तरफ मुंह करके घी का दीपक जलाएं और अपने पितरों से अपने कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना करें और देवताओं से अपने पितरों के कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना करें। पितर आपके प्रसन्न होंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे। किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी श्लोक की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपनी प्रार्थना और अपने कष्ट पितरों से बताएं और भगवान से प्रार्थना करें। वही मंत्र है, वही श्लोक है। किसी भी प्रकार की जानकारी अगर चाहिए तो हमारा नंबर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को चाहे तो लाइक भी कर लें। हम इसी तरीके के कुछ जानकारीपूर्ण बातें शेयर करते रहेंगे आपसे। वीडियो बनाने का हमारा केवल इतना उद्देश्य है कि हमारी बात आप तक पहुंच जाए। अब क्योंकि बात खाली आवाज़ तो पोस्ट होती नहीं है, इसलिए उसमें कुछ फ़ोटो लगा दी जाती हैं। रोचकता से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी बात आप तक पहुंचे। अगर आपको कुछ लाभ हमारी बातों से मिल सकता है तो आप अपना हमारे बताए अनुसार अगर कुछ करते हैं अपना लाभ लें। हमने अनुभव किया है कि ईश्वर की कृपा से जिसने भी हमारे बताए अनुसार कुछ किया है तो उसको लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे फ़ोन पर बात कर लें, निःशुल्क आपको जानकारी मिलेगी और आपको उपाय भी बताए जाएंगे, आपको लाभ मिले, यही हमारा उद्देश्य है। जय माता रानी, जय माता रानी।